यूजीसी ने जो निर्णय लिया वो यूजीसी ने निर्णय तात्कालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया, उसने टास्क फोर्स बनाई शिक्षाविदों से, देश के सभी लोगों से ये परामर्श के बाद ये हुआ कि शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तो आंतरिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता, और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कहीं वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के, ये उसके उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फाइनल परीक्षाएं हो, ऐसा यूजीसी ने ये निर्णय लिया और पूरे देश के अधिकांश बल्कि 90% सभी कुलपतियों ने उसका बहुत स्वागत किया, शिक्षाविदों ने स्वागत किया, स्वाभाविक भी है। कौन आदमी होगा, कौन अभिभावक होगा जो ये कहेगा कि नहीं नहीं कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे ही पास करा दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा विलंब तो हो सकता है, समझ में आता है, और इसलिए मुझे लगता है कि राज्य भी इस बात को शायद अभी महसूस करेंगे, और मैं आग्रह जरूर करूंगा कि उस बच्चे के भविष्य के लिए, सभी लोग एकजुट होकर के, हमारा भविष्य है बच्चा, हम उसके साथ कोई ऐसा ना करें कि उसको ये काल तो चला जाएगा लेकिन इस काल का उस पर हमेशा ठप्पा लग जाएगा, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हम। और आप दोनों निशंत जी कला विषयों से पढ़कर पास हुए, अब इस बार एक बिटिया ने 600 में से 600 नंबर उसको मिले सीबीएसई में। वो मैंने पूछा भाई कौन से सब्जेक्ट थे तो मालूम पड़ा कि तो कला से पास हुए। तो इस तरह के जो एक अकल्पनीय से नंबर बच्चे जब दिखाएंगे आज से 10 साल बाद किसी इंटरव्यू में, तो आपको लगता है कि एक दूसरा इफेक्ट भी आने वाला है? देखिए कई बार परिस्थितियां होती हैं और जो हमारा पैटर्न है परीक्षा का उसमें पूरे के पूरे नंबर भी बच्चों के आते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, और इस समय की जो परिस्थितियां रही हैं, जो पीछे के जो उसके आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से जो नंबर मिले हैं, लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड में यदि हमारे आप केंद्रीय विद्यालयों को देखेंगे, यदि आप नवोदय विद्यालयों को देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनका, और इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे में बहुत प्रतिभा है, हमारे बच्चे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, उसमें कोई कला के विषयों में, और जी जी बच्चे कला के विषय थे, सीबीएसई के रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने शायद कुछ मार्किंग का सिस्टम भी बदला है औसत के आधार पर या किसी उस तरह से? नहीं, अभी अभी तो जो मैंने आपको कहा है, देखिए क्या है कि जो कला के विषय जो आप कहना चाहते हैं कि पहले एक प्रश्न आता था, चार चार पांच पांच छह छह पेज लिखते थे और तब जो है उसमें गुंजाइश रहती थी कि कहाँ कट फट हो सकती है, लेकिन अब जो पैटर्न बदला है, अब तो पैटर्न ऐसा बदला है कि आप काट भी नहीं सकते, तो इसलिए कला के बच्चे भी लाते हैं, 100% नंबर लाते हैं, और आगे जो नई शिक्षा नीति में किस तरीके से उसको हम लोग ला रहे हैं, कुछ नए मूल्यांकन भी उस दिशा में कर रहे हैं ताकि बच्चे को केवल वही नहीं बल्कि विस्तार में भी वो कैसे जा सकता है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे समय में ऐसा सिस्टम होता तो बड़ा आनंद आता, तब तो हिस्ट्री सुन के लोग 40-50 नंबर दे दिया करते थे, इससे अधिक देते नहीं थे। ये जो राज्यों का द्वैत जो सामने आया, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे खतरा ये पैदा हो गया कहीं इम्तहान हो रहे हैं, कहीं एडमिशन हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सितंबर अक्टूबर तक कोरोना चला तो सेशन कई जगह शून्य करने पड़ जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आप पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये विषम परिस्थिति वाली है। हर राज्य देश को यदि देखेंगे उत्तर से पूर्व, पश्चिम से दक्षिण, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये तो कितना विशाल देश है। तो हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार परीक्षाएं होती हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार वो छुट्टियां करते हैं,
अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो प्रवेश करते हैं, तो ये तो भिन्नता हमेशा रहती है, कोई नई बात नहीं है, अभी भी वो उस भिन्नता में रहेंगे। लेकिन बहुत सारे, अभी मैं विश्वविद्यालयों की समीक्षा कर रहा था देश भर के, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने तो परीक्षा करा चुके हैं, कई प्रदेशों की लगभग परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो इसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी, उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यूजीसी की जो गाइडलाइन है, जिसको आपने पहले कहा, वो यूजीसी की गाइडलाइन बहुत जरूरी है कि उनका पालन करे, क्योंकि राज्य से आकर के फिर उसने राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्व का जो भाव लाएगा वो यूजीसी ही लाता है। तो यूजीसी की गाइडलाइन को उस एक्ट के तहत राज्यों को उसका समर्थन करना होता है, उसका पालन भी करना होता है। एक बड़ा पुराना सवाल है कि हमारे जो शिक्षा संस्थान है उसमें बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे वीसी नहीं है, तमाम जगहों पर वीसी नहीं है, और इस समय जब सर्वाधिक आवश्यकता है कि सर्वोच्च पदों पर लोग रहें ताकि कार्य व्यापार संचालित हो सके, इस पर कोई योजना है कि जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज को फिल किया जाए? नहीं, हमारी तो जो पहले 100 दिन का आप हमारा टारगेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पहले 100 दिन में शीर्ष प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो रिक्त पद है उनको भरने की, और मैंने सभी राज्यों को भी विशेष अनुरोध किया कि जो भी उनके प्रवक्ताओं के, लेक्चरर्स के जितने भी पद खाली हैं उनको भी भरें, और मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के केंद्रीय जितने भी संस्थान हैं उनको भी एक मिशन मोड में हमने भरने की कोशिश की है। और इस बीच हमने बहुत सारे कुलपतियों के, ये एक प्रक्रिया है खाली होने की, इंटरव्यू की, वो करने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे समय से पद खाली हैं। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपने बात की है, विश्वविद्यालय के कुलपति अभी हाल में ही इस्तीफा देकर के गए हैं, उसके लिए कमेटी बनी हुई है। अब जिस कमेटी को इंटरव्यू करना था, वर्तमान में परिस्थिति ये सोचा कि 15 दिन पीछे करें, वो 15 दिन पीछे होकर के भी वो नहीं हुआ, तो फिर 1 महीना पीछे किया, लेकिन अब ऐसी स्थिति आएगी तो हम ऑनलाइन भी, हमने अभी इंटरव्यू, मैंने अभी 3 IIT के जो डायरेक्टर के इंटरव्यू, जब ऐसी परिस्थितियां आई कई बार पीछे पीछे किया, तो हमको लगा कि IIT को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं और किसी को चार्ज दे करके नहीं रख सकते, तो अभी हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए, तो हम उसको करके जल्दी से जल्दी जो अभी स्थान है उनको भी हम भर लेंगे।